अज्ञानता व लोभ। एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नज़र गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा, 1.25 शेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 शेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी में बांध दिया। एक दिन एक जोहरी की नज़र बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा, 5 रुपये। जौहरी कंजूस व लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपये सुनकर समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वह उससे भाव ताव करने लगा। 5 नहीं दिया, क्योंकि उसने 4 रुपये का 1.25 शेर गुड़ देकर खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूँगा, यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपये देकर खरीद लूँगा। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए के की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपये सुनते ही उसने झट जेब से निकाल कर उसे 5 रुपये थमाया और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। दूसरे दिन वह अगले वाला जोहरी बनिए के पास आया। 5 रुपये थमाते हुए बोला, लाओ भाई दो वह पत्थर। कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपये में ले गया। यह सुन जोहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं, 1 लाख रुपये कीमती का हीरा था। बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो, मेरी दृष्टि में तो वह साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपये मूल्य के 1.25 शेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम जानते हुए भी 1 लाख की कीमत का वह पत्थर 5 रुपये में भी नहीं खरीद सके। मित्रों, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पहचान नहीं कर पाते और उसकी अपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस कथा में मैं कुम्हार और बनिए ने की। और कभी पहचान भी लेते हैं अपने अहंकार के चलते, तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जोहरी की तरह हो जाता है और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं हो पाता।